यही हाल है तुम्हारा। और ये दसना मैं बोला तो तुम मेरे को मारोगी, मेरे को मारोगी, तुम मुझे मारोगे फिर। तू बकवास बंद कर, लगा तेरा मुंह तोड़ दूं। अरे बंद कीजिए, अंदर आइए। क्या कर रहे हैं, अंदर आइए, अंदर आइए, जाकर बैठिए वहां, बैठिए वहां, शांति से बैठिए। अरे आप बैठ जाइए उस तरफ। मैडम देख लो की कर दी पी है। बस आप लोग शांति से यहाँ बैठिए, क्योंकि हम आपकी इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं और आप हमें कोऑपरेट करेंगे, इज दैट क्लियर? क्या देख रहे हैं आप? तुम्हारा नाम कितना सोना है, हसीना। इसका नाम देख लो, इंदु। इसको बुलाता हूं ना तो ये और घर का नौकर चंदू दोनों एक साथ आवाज देते हैं। जीवा जीवा जीवा, तुम्हारे नाम तो म्यूजिक रखने लायक है ना राजेश। मार्केट में आवाज लगो तो 100 में से ना 80 बंदे पलट के देखेंगे। हेलो, मैंने अपना नाम ना खुद नहीं रखा, मेरे माँ पे उन्हें नाम रखा है। ओ, हेलो, मेरा भी नाम ना मैं आधार कार्ड पे लेके नहीं चल रही, मेरे भी माँ पे उन्हें नाम रखा है। शांत हो जाइए, बैठिए दोनों, वरना हम दोनों को जेल में डाल देंगे। ओके, तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमने एक तरीका निकाला है जिससे हम आपके बारे में और पता लगा सकते हैं। ओके, तो आप ध्यान से सुनिए और शांति से सुनिए कि आपको करना क्या है। सामने आप दोनों की ये दो स्लेट लिखी है, ठीक है? हम आप दोनों से कुछ सवाल करेंगे, उन सवालों के जवाब आपको इस पर लिख कर हमें बताना है, क्लियर? ठीक है, तो आप सबसे पहले अब एक दूसरे को किस नाम से कहकर पुकारते हैं वो नाम अपनी अपनी स्लेट पर लिखिए। पढ़ा दो मेनू। क्या लिखा? ओके, अब इसे पोछकर अपना अपना नाम लिखिए। अब उसके नीचे एक दूसरे का बर्थ डेट लिखिए। दिखाइए। ये देखिए, दिसंबर की स्पेलिंग ही गलत लिखी है, पढ़े लिखे आदमी की गलत है, दिसंबर ठीक तो है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप पहले ये बताइए कि आपने एक दूसरे के जो बर्थ डेट है वो सही लिखे हैं या नहीं। मतलब आपको एक दूसरे के बर्थडे भी नहीं पता? मैम अपना बर्थडे बर्थडे छोड़िए, आपने ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, दिसंबर की स्पेलिंग लिखनी है। ठीक तो है दिसंबर, और कैसे होता है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप एक दूसरे का फेवरेट खाने का डिश उसका नाम लिखिए। ओके, तो क्या ये जवाब सही है? दिखाएंगी लिखा है? नहीं नहीं, ये मेरी वट्टी है और इसको ये नहीं पता कि मेरे को खाने में क्या पसंद है। तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद है? बटर चिकन लिख रहा, कभी देखा है मुझे खाते हैं बटर चिकन? छोड़ देता है मैं। अरे छोड़ देता क्या, क्या मतलब होता है? तू मौसम की तरह वो रंग बदलती रहती है, कभी चीजें छोड़ती रहती है, पकड़ के जुबान से लाके आराम से बात करो। तू चुप कर गए निकला ना तो सारे डंडा यही निपटा देंगे, बता रहे हैं। अब जाइए अपने रूम में, दरवाजा बंद कीजिए और फिर कीजिए एक दूसरे का फजीहत। इस बार लेडीज फर्स्ट नहीं होगा, मैं फर्स्ट आऊंगा। देखिए तू ऊपर चल। कहा था मैडम सर, काउंसलिंग हर एक के बस की बात नहीं होती है, हम जाते हैं। मैडम सर हमने आपसे कहा था, ये कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं हो सकती, इनको बाहर फेंकते हैं, इनको यहाँ से निकालते हैं, इनको बोलते हैं यहाँ से जाइए, फिर देखा जाएगा क्या होगा। हाँ नहीं करिश्मा सिंह, अब भी एक रास्ता बाकी है। बरकरार जाओ, तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें इंदु भाभी जैसे बीवी मिले, अरे तुम कलेश खाकर मर जाओ मर जाओ मर जाओ। ये लो सर पे बांध लो और खाओ। क्या खाऊं इसको? कसम खाओ। अच्छा अच्छा, हम शादी नहीं करेंगे। गरम है? हाँ। शपथ खाओ। हाँ, हम शपथ लेते हैं कि आज हम शादी नहीं करेंगे, यहाँ तक की कटना कैब भी आके हमसे बोले कि द बिजनेस टाइकून इकबाल, हमने शादी कर ली तुम भी करो, फिर भी नहीं करेंगे। ठीक
क्या रे, तुम लोगों की सी ग्रेड फिल्म में डाकू का रोल मिल गया क्या, जो सर पे सब बांध के घूम रहा है, सब एकदम भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी का चोर लग रहा है तुम दोनों। सही, हम डाकू नहीं बागी है, बागी ये काला कफन सर पे बांधा है वो बगावत की निशानी है। बगावत शादी से, घर बार से, बीवी से। कौन कौन है तुम लोग का गिरोह में? हमारे गिरोह में एक दो है तीन। संतोष जी, संतोष जी हमारे गिरोह में है, हमारे पार्टी में है। संतोष जी शादी नहीं करेगी, हमारे पार्टी का नाम ही है शादी नेवर फॉर एवर। क्यों नहीं करेगी शादी? ए, दल बदलू, करनी है मुझे शादी, क्यों ना करूँ मैं? मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता था हमको, पता था संतु जी। बस हमारा प्रश्न ये है संतु जी कि आप जो भी फ्यूचर हस्बैंड के बारे में सोच रही हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या गुण है जो आप देखती हैं, मतलब क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी, आप बताएं जरा विस्तार से बताएं। क्वालिटी का तो देख पता नहीं है, पर हाँ ये चीज जरूर तय है कि वो पुलिस वाला नहीं होगा। पुलिस वाला नहीं होगा? चुर चुर। एक मिनट, ये तो राजेश के नाम पर चलान है और वो भी अनपेड है। मैडम सबको फोन करके बताना चाहिए ना। चलान राजेश का कटा इसका। चीते चीते इतना दिल पे नहीं लेते, दिल पे नहीं लेते, कुछ कुछ लोग होते हैं। हाँ एक सेकंड, चीते मैडम से ने कहा है कि राजेश के पास जाए और ये चलान उसको दे दे। चल मेरे साथ। जा जा जल्दी जा, जा नहीं तो संतु जी जाएगा। हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन संतु जी हम आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं जैसे ब्रह्मांड तारों से, चांद सितारों से, मौसम बहारों से, देवदास पारों से, कुत्ता कारों से और निठल्ला चमत्कारों से। हम आपके लिए चीते। क्या हुआ? साथ में नहीं चलना क्या? संतु जी हमारा ना जी में आ रहा है कि। क्या वो जी में चल रहा है? नहीं संतु जी, हमारे जी में आ रहा है कि हम पुलिस का नौकरी छोड़ दें। क्यों, क्या हो गया? आप ही बोले ना कि आपको वो लड़का से शादी करना है जो पुलिस में नहीं हो, तो इस हिसाब से तो लड़की सबको वही लड़का पसंद है ना जो पुलिस में नहीं है। लेकिन हम तो पुलिस में है तो हमारा शादी भी नहीं हुआ तो ऐसे तो हम कुंवारे कुंवारे सूखे सूखे निकल लेंगे संतु जी। नहीं चीते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट लड़कियों के जो घर वाले हैं ना उनको गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का बहुत पसंद है, सबसे पहला प्रेफरेंस उनको देते हैं। हाँ, और ऊपर से लड़कियां जो है ना वो यूनिफॉर्म वाले लड़कों को ज्यादा पसंद करती है क्योंकि यूनिफॉर्म में लड़के हैंडसम लगते हैं ना। फिर तो ये तो डायरेक्ट हाँ हो गया ना। क्या? नहीं मतलब हमको लगा कि आप पुलिस वाले लड़का से शादी नहीं करेंगे लेकिन आपको तो पसंद है सब पुलिस। नहीं नहीं, मुझे पुलिस वाले लड़के से शादी नहीं करनी। काहे काहे संतु जी, संतु जी, संतु जी काहे आप बोली से पुलिस से फेर आ गए थे? देखिए तुसी देखो, हमको अब कोई काउंसलिंग नहीं चाहिए। तुसी सुनो, कोई काउंसलिंग वाउंसलिंग करने नहीं आए, ये अनपेड चलाने आपके नाम का ये देने आए। भरिया इसको। किन्ने गैर जिम्मेदार हो तुसी, 8 साल पुराना चलान अजे तक नहीं भरे तुसी। मेरा चलान, मेरे पैसे, मैं चाहे भरूं चाहे ना भरूं, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली, जब देखो छिपकली की तरह आगे चिपक जाती है मेरे से। छिपकली? हाँ छिपकली बोले तुसी मैं। हाँ तू छिपकली भी है, तू सुंडी भी है, तू मकड़ी भी है, तू केकड़ी भी है, तू टंकड़ी भी है। तुसी डंको, तुसी तू कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं कुछ कर रहा हूं, ये कुछ कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। छिपकली भी सुनो तोड़े मुंह देना कुछ ये बोलो तुसी दिमाग चुप। संतरी पानी कोल्ड ड्रिंक तुसी निकलो, ऐसो निकलिए यहाँ से। आप लड़िए मत, आप जाइए। चलिए जा रहे हैं, चलिए। इसके ऊपर खून सवार है। चलिए कमीज नहीं है, तुम बात करने की कमीज नहीं है, कमीज तेनु नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या कहा फिर? अच्छा हाँ तो फिर नहीं नहीं ऐसे मत कहो ऐसे के। अच्छा अच्छा हम बाद में बात करते, बाद में बात करते। क्या है बात करे थे हम तो? हम ना करें, हम अपने पति से बात ना करें, पूरा दिन बतियाती रहती हैं। पता नहीं कितना बात करना पसंद है आपको, 2 मिनट फोन खाली नहीं छोड़ती, कब से बिजी 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 उनका फोन आ रहा है, फिर कहते हैं हम दादी नहीं बनती है, दादी नहीं बन पाती। आपकी जानकारी के लिए बता दे, हम अभी अपने लल्ला से बात नहीं कर रहे थे, देहरादून वाली जो मासी है ना उसके साथ बात कर रहे थे। एक मिनट, आप अभी लल्ला से बात नहीं कर रही थी? भरोसा नहीं है ना? ये देखा, ये लल्ला का नंबर है, नाम लिखा है। कमाल है फिर उनका नंबर, कब से बिजी आ रहा है, फोन ही नहीं उठा रहे हैं वो हमारा। तो हमें क्या पता किसके साथ बात कर रहा है वो। मैडम सर ने लल्ला का नंबर मांगा था, पता नहीं उन्होंने किसको दिया, पूछिए उनसे। मैडम सर खामखा हमारी बात आधे में तोड़वा दी। क्या बात है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत कमाल का है। नहीं मतलब हमने तो सुना था कि आप मतलब बहुत सीरियस टाइप,
स्ट्रिक्ट टाइप अफसर है, ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं है आपको, बहुत अनुशासन प्रेमी अफसर है। हाँ है, अनुशासन प्रेमी तो है, लेकिन वो सिर्फ हमारा ऑफिशियल साइड है, काम के बाद तो हम इंसान ही है ना। हाँ, आपकी वाइफ करिश्मा सिंह बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऑफिसर्स वैसे ही होते हैं। बहुत सुना है आपके बारे में, सच कहें तो दिल से आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, बहुत प्रभावित हैं हम आपसे, दिली इच्छा है आपसे मिलने की। अरे वाह जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, और अब आप आ ही जाइए थाने, हम सब भी आपसे मिलना चाहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे तो। जी अब तो आना ही पड़ेगा, आपका बात कैसे टाल सकते हैं, जल्दी मिलते हैं, रखते हैं। जी जी बहुत जल्द मिलेंगे। का क्या? नहीं आप हमारे लल्ला से बतिया रही थी। हमारा लल्ला है वो, आपका पति है। हमको पता है पुष्पा जी, आप अभी बीच में मत बोलिए, हम मैडम सर से बात कर रहे हैं, ठीक है? नहीं मतलब आपने हमको सूचित भी नहीं किया कि आपको लल्ला से बात करनी है, तो हम क्यों, आपको जलन हो रही है? जलन? हमको जलन वलन नहीं होता है मैडम सर, हमको बिल्कुल जलन नहीं होता है, ये तो बस आप, नहीं मतलब आपने ऐसे डायरेक्ट उनको कॉल कर लिया ना, तो हमको बता देती तो हम मिलवा देते ना आपको सीधा। अब बैठते यहाँ पे, बतियाते फिर जितना आपको बतियाना था, और देख रहे थे हम काफ़ी, मतलब ऐसा प्यार प्यार से आप बतिया रही थी उनको, बहुत ऐसा वार्तालाप चल रहा था। हो गया है या फिर बुलाएं उनको यहाँ पे, और अगर बातें रह गई हैं तो वो भी कर लीजिएगा। नहीं हो गया, शुक्रिया। अरे करिश्मा सिंह, अरे रुकिए हमारी बात तो सुन लीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं कि हम आपके हस्बैंड से बात दरअसल क्यों कर रहे थे। ऐसा है कि हमारी तो शादी हुई नहीं है, तो अब पति पत्नी एक दूसरे से क्या बात करते हैं, उनके कैसे जज्बात होते हैं, क्या फीलिंग्स होती है, क्या रोमांस होता है, उसका हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं है ना। लेकिन इंदु और राजेश का केस सॉल्व करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम बस फोन पर आपके हस्बैंड से इस बात का उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे। हम कुछ मतलब हम समझाते हैं और विस्तार में समझाते हैं। देखिए क्या हुआ कि हमने आपके हस्बैंड से दो मिनट हंस खेल के बात क्या कर ली, आप आग बबूला हो गए, मानेंगे नहीं लेकिन आप हो गई, जल गई, परेशान हो गई, इतना भी आपने हमारा लिहाज नहीं रखा और चल के बाहर आ गई। इससे ये साबित होता है कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच बहुत गहरा अच्छा प्यार है, इसलिए तो आप जली। दूसरी तरफ जब हमने एक लड़की को सेल्स गर्ल बनाकर राजेश के पास भेजा एक क्रेडिट कार्ड बेचने के बहाने, तब उस लड़की ने राजेश से इंदु के सामने बैठकर बहुत फ्लर्ट किया, बहुत हंस हंस के बात की, लेकिन इंदु को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसे ना जलन हुई ना परेशानी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ मैडम सर कि उनको एक दूसरे से मतलब है नहीं, उनमें प्यार है ही नहीं, इसलिए उनको एक दूसरे की हर चीज से दिक्कत है, वो जब देखो लड़ते ही रहते हैं, वो समझते नहीं है एक दूसरे को, वो रहना ही नहीं चाहते एक दूसरे के साथ। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका रिश्ता थोपा हुआ, और जबरदस्ती का रिश्ता हमेशा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। मैडम सर ये लोग अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? यही तो पता लगाना है करिश्मा सिंह, यही तो हमारा तफ्तीश का विषय है कि वो अलग क्यों नहीं हो रहे। अच्छा एनीवेज एक और बात हम आपको बता ही दे, हमने आपके लल्ला से कुल मिलाकर सिर्फ 15 मिनट बात की, लेकिन उस 15 मिनट में उन्होंने 50 बार आपका नाम लिया है। इनफैक्ट आधी से ज्यादा हमारी बातें आप ही के बारे में हुई हैं, इसलिए प्लीज आप बिल्कुल भी टेंशन कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आपका रिश्ता बहुत मजबूत है, और कोई तीसरा इंसान उसके बीच कभी आ ही नहीं सकता। यू हैव अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पार्टनर। जूस। शुक्रिया। आ देख रहे हो मैडम, ये हाल है इसका, फिर बोलते कि लड़े क्यों ना हम, अंदर जाके खुद ले लो। दादा दादा दादा, देखिए देखिए प्लीज आप शुरू मत हो जाइए, दरअसल हम आप लोगों से ये कहने आए हैं कि आप लोगों की पूरी सिचुएशन एनालाइज करने के बाद हमें समझ में आया कि ये कोई प्यार वाला झगड़ा या प्यार खत्म हो जाने वाला झगड़ा है ही नहीं, ऐसा लगता है कि आप लोगों की शुरुआत से कभी नहीं बनी, आप लोग बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, और अगर ये बात हम इतनी आसानी से समझ सकते हैं तो फिर आप लोगों को अब तक समझ में क्यों नहीं आई, शुरुआत में ही आपने इस रिश्ते से इनकार क्यों नहीं कर दिया? कर दे बड़ियों का प्रेशर मैडम, अब वो तो हमारा कहा मानेंगे नहीं ना। ऐसा कौन सा प्रेशर है जिसके चलते आप
अपनी जिंदगी खराब करने के लिए तैयार हैं लेकिन माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जा सकते। देखिए हमें ऐसा लगता है कि आप लोग म्यूचुअली बैठकर बात कर लीजिए और सेपरेट हो जाइए। दो समझदार लोगों की तरह दोस्त बनकर रहिए, अपनी अपनी जिंदगी नए तरीके से फिर से शुरू कीजिए, उसमें परेशानी क्या है? हम ऐसा चाहें भी ना तो भी नहीं हो सकता ऐसे मैडम जी। क्यों? क्योंकि साढ़े पेरेंट्स नहीं मानेंगे मैडम। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? देखिए क्या बकवास चल रहा है राकेश? सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ? और ये पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? और ये सेपरेशन और डाइवोर्स ये सब क्या हो रहा है? खबरदार जो किसी ने दोबारा यहाँ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो। हाँ हमें पता ही था कि यहाँ पे ना कुछ देखने और सुनने को मिलेगा, इसीलिए ना मैं अपना वकील लेकर आई हूँ। मैडम आप चिंता मत करिए, एक अच्छा सा केस बनाकर ठोक देता हूँ मुकदमा। बताइए किस पर केस ठोकना है? दुर्लभ नाम है मेरा। अरे इन पुलिस वालों पे। देखिए ना पुलिस वाले होते हुए शादीशुदा लोगों का रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे ऐसे पुलिस वालों पे तो ना केस ठोको और ऐसा थाना बंद होना चाहिए। और ये काम भी ना हम ही करेंगे। देखिए ना पुलिस वाले होते हुए शादीशुदा लोगों का रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे ऐसे पुलिस वालों पे तो ना केस ठोको और ये काम भी ना हम ही करेंगे। नहीं बहुत बढ़िया, मतलब अगर पुलिस मजबूर करे इनको साथ रहने में तो पुलिस हो जाती है हीरो, लेकिन अगर पुलिस इनको इस नर्क से निकाल कर इनका जीवन बर्बाद होने से बचा रही है तो पुलिस हो गई है विलन। कैसी बात कर रही है मैडम आप, अलग रहकर भी कोई कभी खुश रहा है क्या? तो साथ रहकर कौन सा खुश हो गए, पूछे कितना खुश है? साथ रहकर लड़ते मरते रहते, बर्तन फेंकते एक दूसरे पे। इन दोनों को साथ रहना ही नहीं चाहिए, ना कोई सम्मान है, ना इज्जत है, ना प्यार है। इन दोनों को अलग करके इनको खुली हवा में छोड़ देना चाहिए सच में। और नहीं तो क्या, जबरदस्ती से खींचा हुआ रबड़ जब टूट जाता है ना तो बहुत बड़ा घाव कर देता है। इससे पहले कि इनका जबरदस्ती का बना हुआ रिश्ता टूट कर बहुत बड़ा और गहरा कभी ना भरने वाला घाव दे जाए, उसको खत्म करना ही जरूरी है। मैडम कौन सी शादी में एडजस्टमेंट नहीं होता, शादी के रिश्ते का दूसरा नाम ही एडजस्टमेंट है। तो आपने क्या इनका शादी कराया या इनको जॉब पे लगवाया कि भैया एडजस्टमेंट करो? काहे करेंगे एडजस्टमेंट, एक पेज पे जब प्यार हो सम्मान हो कदर हो ना उन लोगों को शादी करना चाहिए। अगर आपस में बनी ही नहीं रही है, अगर रोज खटर पटर हो रही है तो वो शादी काहे करेंगे, आगे का जीवन बर्बाद काहे करेंगे। इनको अलग कीजिए भाई साहब, ये खुश नहीं है साथ में, समझिए आप हमारी बात को। मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैडम, अगर हमारी बच्ची इस रिश्ते में खुश नहीं है तो इनका अलग हो जाना ही बेहतर है, हमें इस डिवोर्स से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे लिए मेरी बच्ची की खुशी सबसे बढ़कर है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप, जंगल में नहीं रहते हम लोग, समाज में रहना है तो समाज के कायदे कानून को मानना होगा। डिवोर्स के बाद कैसी कैसी बातें करते हैं लोग, जानते नहीं आप, जीना मुश्किल कर देंगे इन दोनों का लोग बाग। अरे तो आपके समाज के लिए अपनी बच्ची को रोता छोड़ दूं? तो आप क्या चाहते हैं, डिवोर्स हो जाए? ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे हमारी बच्ची की खुशी भी कोई चीज है ना? कोई चीज नहीं, आप तो घर बिगड़वाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। मां क्या आप ऐसे बोल रही हैं? ऐसी बात कैसे करते हैं आप? लेकिन दोनों इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं। अब किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा, ये थाना है, कुछ तो गरिमा रखिए। मैडम सर थाना नीचे है। देखिए हम समझते हैं कि आप इनके माँ बाप हैं और इनके लिए सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन ये साथ रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं नहीं करते हैं, ये जो भी करना चाहते हैं ये इनका फैसला है क्योंकि ये इनकी जिंदगी है। इनफैक्ट हमें ऐसा लगता है कि इन्हें एक और मौका देना चाहिए, इन्हें एक और बार मिलना चाहिए दोबारा से अजनबियों की तरह, उस तरीके से जिस तरह से ये शायद पहले मिले होते शादी करने से पहले, उस तरीके से ये लोग एक बार मिलेंगे बात करेंगे और फिर तय करेंगे ये साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, और तब देखेंगे कि क्या होगा इनका जवाब, हाँ या ना। मिस्टर राजेश ये आपके पास आखिरी मौका है इस तकलीफ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का, इस बार अगर आप खामोश रह गए तो इस घुटन से कभी नहीं निकल पाएंगे। निकलो इस नरक से बाहर, ना जा तुम खुश हो ना वो इंसान जिसे तुम अपना पति कहती हो। हम जानते हैं तुम पे क्या बीतती है इंदू, तुम सोचती होगी इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को और तुम इतना परेशान रहती हो कि काश उस वक्त जब तुम अपनी शादी का डिसीजन ले रही होगी तब तुमसे किसी ने ये पूछ लिया होता कि तुम क्या चाहती हो इंदू, तुम्हें वो मौका दे दिया होता, तुमने अपने पार्टनर को जांच लिया होता, परख लिया होता तो आज तुम्हारी जिंदगी का तस्वीर कुछ और ही होता। आज शायद तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के उसके साथ खाना खा रही होती, उसके साथ टूर पे जा रही होती और कितना खुश होती। वो मौका आज है इंदु,
आज एक बार फिर आपको मौका मिला है अपनी आने वाली जिंदगी की तस्वीर को बदलने का। वो कहते हैं ना कि जिंदगी का पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता, लेकिन फिर भी आपको किस्मत ने एक और मौका दिया है। वो गलती जिसने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम कर दी, उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। माँ बाप, रिश्तेदार, बिरादरी, चाचा चाई, ताऊ, ये इनके बारे में कुछ मत सोचना। तुम्हारी जिंदगी देखो कैसी हो गई अभी, ये तुम्हारी जिंदगी है और इस जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें है। आपके इस एक फैसले से आप एक नहीं दो जिंदगियां बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इसलिए आज जो भी फैसला लोगी ना, बहुत सोच समझ कर लेना और हमारी मानो तो दिल की सुनना, क्योंकि कुछ भी हो जाए आपका दिल आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। अब सब कुछ राजेश और इंदु के हाथ में है। अगर इन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया तो महिला थाने पर आने वाली मुसीबत को हम रोक नहीं सकते।